वेल मूविंग ऑन, सबसे पहले हम लोग तो भाई बात करेंगे कि नेदरलैंड्स ने किस तरह अपसेट किया साउथ अफ्रीका को. दे शॉक द क्रिकेटिंग वर्ल्ड अपने टैक्टिक्स और गेम प्लान के साथ. इस पर हम लोग बात करेंगे. इसके साथ साथ पाकिस्तान कैंप हैज बीन हिट बट बाय अ वायरल इन्फेक्शन. बहुत सारे हमारे प्लेयर्स हैं डाउन विद फ्लू एंड फीवर. वहाँ क्या कुछ हो रहा है ये भी बताएंगे. उधर पीसीबी ने भी फाइल कर लिए कंप्लेन विद आईसीसी. जो क्राउड रिएक्शन था अहमदाबाद में उसके बारे में उसकी डिटेल्स भी हम लोग जानेंगे. और साथ साथ आपको अभी आज जो मैच होगा उसकी भी अपडेट दे दें. ऑस्ट्रेलिया और अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड एक दूसरे के आमने सामने हैं. पहले तो उन लोगों ने वर्ल्ड चैंपियंस को शिकस्त दी. क्या आज रनर अप को भी देंगे? लास्ट वर्ल्ड कप के जो रनर अप थे उनको भी ये लोग शॉक करेंगे या नहीं, विल फाइंड आउट. टॉस अपडेट ये है कि अफगानिस्तान ने टॉस जीत लिया. They decided to field first. Whoosh, all of that is हमने अपडेट कर दिया. विल हैव अ लुक एट द पॉइंट्स टेबल एज वेल. कल के बाद क्या हुआ बट जस्ट इन अ मोमेंट. मैं जल्दी से इंट्रोड्यूस कर दूँ मेरे साथ कौन कौन है. अच्छा आपको दिखा देते हैं पॉइंट्स टेबल. बट यू नो आफ्टर दैट लॉस साउथ अफ्रीका की दे हैव प्लेस्ड इन द सेम पोजिशन थर्ड में. मगर लुक एट दैट रन रेट, क्या डेंट आया है वो 2.360 सा अब इज कम डाउन टू 1.385. नेदरलैंड्स ऑफ कोर्स वहीं है बॉटम डाउन. इंडिया बट दस्तूर नंबर वन. All teams have played 3-3 matches now. So interesting होगा आज से किस तरह और शफल होता है points table. So India is going strong. दूसरे number पे है New Zealand. ठीक है, so ये points table है. मेरे analysts eagerly wait करें, उनको introduce कर दूँ. मेरे साथ हैं former test cricketer सिकंदर बख्त, senior sports journalist सैयद याहिया हुसैनी, former test cricketer अब्दुल रजाक एंड हमारे special correspondent जो हैं फैजान लखानी. इज इन इंडिया राइट नाउ. उनसे भी अपडेट्स लेंगे कि क्या कुछ हो रहा है. अभी बैंगलोर में सब एक्शन होने वाला है. सो सबसे पहले फैजान आप हमें थोड़े क्विक अपडेट्स दे दें कि पाकिस्तान कैंप में क्या हो रहा है, क्योंकि हम लोग कल से सब पूछ रहे क्या हुआ. शाहीन आफरीदी को बुखार हो गया है, फ़खर जमान इज़ डाउन, जमान खान भी बीमार. व्हाट इज़ हैपनिंग, जस्ट टेल अस एवरीथिंग. देखिए अभी तो कुछ देर में पाकिस्तान टीम की प्रैक्टिस शुरू होने वाली है फातिमा. और जहां तक प्लेयर्स की हेल्थ का इशू है तो फखर को बुखार नहीं था, उसका नी थोड़ा सा प्लेयर था बट वो रिकवर कर चुके हैं. इसके अलावा शाहीन शाहफुद्दीन, जमान और उसामा मीर, इनके हवाले से बुखार की तलाशी. उसामा मीर तो कल प्रैक्टिस सेशन में मौजूद है. इसका मतलब उसामा जो अहमदाबाद में जरूर बीमार थे जो ग्रैंड प्रेडमेंट ने हमें बताया था, तो वो अब रिकवर हो चुके हैं. उसामा फुली फिट हो चुके हैं. जमान चुके प्लेइंग स्क्वाड के मेंबर नहीं है, रिजर्व प्लेयर है, तो थोड़ा सा वो इतना उनके तशवीश की बात है. लेकिन जो पाकिस्तान के लिए सबसे ज्यादा तशवीश की बात है वो अब्दुल्ला शफीक की हेल्थ के हवाले से, जो फ्लू और फीवर का शिकार है. जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट यही कह रही है कि तशवीश की कोई बात नहीं है एंड ही इज रिकवरी को सेहतियाबी की जानिब बढ़ रहा है. बट गुज़िश्ता शब्द की अपडेट यही थी कि फ्लू को मजीद ना फैलना दिया जाए और इसलिए क्वारंटीन तो उसको हम स्ट्रिक्ट नहीं कहेंगे बट वो खुद अवॉइड कर रहे हैं. ठीक है, ऑब्वियसली ताकि स्प्रेड ना हो बहुत वायरस. बट थैंक यू सो मच फैजान, आपने हमें ज्वाइन किया हुआ है बैंगलोर से. सो वी गोना लेट यू गो. आवर एनालिस्ट स्टे विद अस. अफगानिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान मैच जारी है 10 विदाउट एनी लॉस. दैट्स द स्कोर राइट नाउ. और इसके साथ आपको बताएं कि स्पार्क स्मार्टफोन्स आपको चार्ज दे रहा है. टू विन अ स्मार्टफोन ऑल यू हैव टू डू कि आपने इस व्हाट्सएप नंबर जो स्क्रीन पे आएगा इस पे आपने मैसेज भेजना है. एंड ऑफ कोर्स कुरानदाजी के जरिए हम आप वो विनर्स जो है चूज़ हो जाते हैं. तो यू कुड बी लकी. तो हमने आपसे कल पूछा था, यस्टरडेज क्वेश्चन जल्दी से रिपीट कर लेते हैं, बिग स्क्रीन में दिखाएं जी, कि ऑस्ट्रेलिया के किस कैप्टन ने 1999 से 2007 तक मुसलसल 3 ICC मेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप जीते. एंड आंसर वॉज रिकी पोंटिंग. एंड मोहम्मद बिलाल हैदर, बहुत बहुत मुबारक हो, आपने जीत लिया है एक स्मार्टफोन. नारोवाल से उनका ताल्लुक है. सो ऑस्ट्रेलियन कैप्टन रिकी पोंटिंग वॉज अ करेक्ट आंसर. एंड टुडेज क्वेश्चन, ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप में किस साल 16 टीमों ने शिरकत की? ICC मेंस क्रिकेट वर्ल्ड कप ने किस साल 16 टीम्स ने शिरकत की? एक्चुअली आई डोंट रिमेंबर दिस, यू रिमेंबर? आप नहीं बोल सकते अभी जवाब. नहीं, मैं जवाब नहीं दे रहा. जो आपने पहले सवाल किया है, 3 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया के किसी कप्तान ने नहीं जीते. 99 में ऑस्ट्रेलिया के कप्तान स्टीव वॉ थे, 2003 में रिकी पोंटिंग थे और 2007 में पोंटिंग थे. तो आप कह रही हैं कि एक ही साथ रिकी पोंटिंग 3 वर्ल्ड कप जीते, 99 में तो वो कप्तान ही नहीं थे. ओके, सो चलिए ठीक है, आइए हम लोग इस बात को करेक्शन कर लेंगे. ये मैंने ना सवाल खुद बनाया और ना ये मैंने इस पर सही जवाब दिया. ठीक है, सो एनीवे जस्ट मूविंग ऑन, लेट्स आल्सो टॉक अबाउट नेदरलैंड्स जिस तरह अपसेट किया साउथ अफ्रीका को. रजाक आपके पास सबसे पहले आते हैं, फिर देन सिकू एंड या विल टॉक टू यू एज वेल. आई मीन बड़ा शॉक किया लोगों ने. नेदरलैंड्स का मैच मैं देख रही थी, मैंने बोला ठीक है 50 for 4, फिर उसके बाद वो लोग 147 आ गए. 105 रन बनाए हैं उन्होंने लास्ट 9 ओवर्स में. Just fantastic, the captain himself, of course, Scott Edwards. ये डेफिनेटली देखिए कंडीशन का बड़ा डिपेंड करता है. धर्मशाला में मैच था, थोड़ा ठंडा था वेदर और रात को
जिस तरह की बॉलिंग नेदरलैंड कर रहे थे वो बिल्कुल अनप्लेबल हो रही थी बॉलिंग, और साउथ अफ्रीकन कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे थे। और सबसे स्ट्रेंज वाली बात ये है कि या तो फिर हमें सही एनालिसिस करना नहीं आता, या फिर जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं वो बहुत समझदार हैं कि टॉस जीत के आप एक बिल्कुल लो रैंकिंग वाली टीम के खिलाफ आपने पहले बॉलिंग का फैसला कर लिया, क्या प्लान था इनके जेहन में, तो मुझे कोई समझ नहीं आती। क्योंकि ऐसी मौके पे तो आपको चढ़ के आना चाहिए, दो मैच आप जीते हुए हैं, आपने इंग्लैंड को हराया, ऑस्ट्रेलिया को हराया, उसके बाद नेदरलैंड के साथ आपकी ये अप्रोच है, तो रियली सॉरी साउथ अफ्रीका की टीम की कहीं ना कहीं तो प्रॉब्लम है। और बिल्कुल आई थिंक मेरा क्वेश्चन यही था कि हाउ डिड साउथ अफ्रीका लेट दिस हैपन, ये आउटकम ऐसा कैसे आया, एक ऐसी टीम जो हॉट कंटेंडर लग रही है टू विन द वर्ल्ड कप, यू नो जस्ट प्लेइंग वेरी ऑर्डिनरी क्रिकेट वाज बिट शॉकिंग। बट सिको व्हाट क्रेडिट देना चाहिए नेदरलैंड्स के बॉलर्स को, वो लोग जिस तरह बॉलिंग कर रहे थे, मैं अभी थोड़ी देर पहले दोबारा हाईलाइट्स देख रही थी, ऐसे व्हाट वाज द राइट थिंग दे डिड, वो कोशिश ऐसी बॉलिंग करा रहे थे कि वो वेट कर रहे थे कि बैट्समैन गलती करे, और एग्जैक्टली वो बड़े ज़बरदस्त तरीके से उन्हें रैप अप किया, दे शुड बी प्राउड। देखिए उनके स्पिनर्स ने भी अच्छी बॉलिंग की, ठीक है, और उनके सीमर्स ने भी अच्छी बॉल की, मतलब हर चीज़ उनके फेवर में चली गई। मुझे एकदम से ख्याल आ रहा था कि जब हम 2007 का वर्ल्ड कप था, या जब वो बॉब वुलमर की डेथ, जी बिल्कुल, वो 2007 का वर्ल्ड कप था जब हम आयरलैंड से हार गए थे। आयरलैंड भी मतलब इसी तरह की एक टीम है जो क्वालिफाई नहीं करी इस दफ़ा वर्ल्ड कप में, तो उनसे हम हार गए थे 160 के फेरे में, तो वो वहाँ पर हम टूर्नामेंट से बाहर हो गए थे। तो इस किस्म के अपसेट कर देती हैं छोटी टीमें। और मैं इस वक्त कल के प्रोग्राम में भी मैं बात कर रहा था, और रज़ाक की बिल्कुल बात दुरुस्त है, जैसे कि आज न्यूजीलैंड ने किया है, एक छोटी टीम से आप खेल रहे हैं तो आप पहले बैटिंग करें। नहीं बट वो अफगानिस्तान वन द टॉस ना, सो दे डिसाइड कर दिया, तो अफगानिस्तान को भी चाहिए था पहले बैटिंग करें। नहीं छोटी टीम मतलब चाहते तो कर सकते, व्हाई नॉट बिल्कुल, वो रन्स करके दूसरी बड़ी टीम को अंडर प्रेशर, देखें बड़ी टीम भी एक प्रेशर में तो आ सकती है ना, दो चार आउट हो गए आप अंडर प्रेशर हो गए, फिर आपके बल्ला रुक जाता है, शॉट्स रुक जाते हैं, बॉलर का बॉल ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, ये होता है। तो कल जो किया उन्होंने गलत किया, वो बिल्कुल सही कह रहा है रज़ाक कि उनको साउथ अफ्रीका को पहले बैटिंग कर लेनी चाहिए थी, अगर वो 240 कर लेते तो ये लोग नहीं कर पाते। तो एनीवे खेल का ऐसा हो सकता है, हो सकता है वो बारिश का जो चक्कर था ना उसके वजह से उन्होंने सोचा हो कि यार क्लाउडी वेदर है, फोरकास्ट भी हुई है, चलो कि पहले हम बॉल कर लेते हैं, अगर डकवर्थ लुईस का मेथड आया तो हम उसको चेस कर लेंगे, हो सकता है कि ये हरकत की। एंड इट बैकफायर्ड। सीकू भाई कुछ भी हो ऐसी टीम के खिलाफ तो सलाब भी आ रहा हो ना, तो पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। चलो थैंक यू फॉर योर साइड कमेंट रज़ाक। रज़ाक मैं एग्री करता हूं कि छोटी टीमों को आप पहले दबा दो, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। एंड या आई मीन ना मुझे ये भट्टी साहब की बात याद आ रही, चार दिन पहले हम लोग शो कर रहे थे, उन्होंने बोला फातिमा ये जो छोटी टीम्स हैं ये तंग करेंगी बड़ी बड़ी टीम्स को, एंड आई वाज लाइक मे बी नॉट इन दिस फॉर्मेट बट इट्स ऑल हैपनिंग। काफ़ी टीज कर रही हैं ये छोटी टीम्स बड़ी टीम्स को, अफगानिस्तान का भी अभी हम देख रहे हैं न्यूजीलैंड के साथ मुकाबला है, एंड दे कॉन्फिडेंस मस्ट बी स्काई हाई क्योंकि उन्हें वर्ल्ड चैम्पियंस डिफेंडिंग चैम्पियंस इंग्लैंड को भी शिकस्त दी। देखिए फातिमा खबर ये नहीं है कि बड़े ने छोटे को कूट दिया, खबर ये है कि छोटे ने बड़े को कूट दिया। और आप अपसेट की बात कर रहे हैं, ये जो टूर्नामेंट में अपसेट हैं अगर ये ना हो तो फिर टूर्नामेंट कैसे आगे बढ़ेगा, वरना तो सीधा सीधा टूर्नामेंट हो जाएगा, लोग कहेंगे मज़ा ही नहीं आ रहा, इसके बारे में हमने पहले ही सोचा हुआ था ये जीत रहा है, ये अपसेट नहीं है मेरे ख्याल में, ये लोग अपसेट हो रहे हैं इन नतज के साथ। और मैं थोड़ा सा मैच के हवाले से ज़रा डिफरेंट अंदाज में आपसे गुफ्तगू करना चाहूँगा। लोग नैदरलैंड की बात करते हैं कि जनाब नैदरलैंड की टीम जो है उसने दूसरी मरतबा जनूबी अफ्रीका को एक साल में हरा दिया है, पिछले साल इन्होंने आई थिंक मेरे ख्याल एडिलेड में वर्ल्ड टी20 में जनूबी अफ्रीका को हराया था, नहीं हराते तो शायद हम वर्ल्ड टी20 का सेमीफाइनल और फाइनल नहीं खेलते। ये जो नैदरलैंड की टीम है इसमें जो प्लेयर हैं वो प्रोफेशनल नहीं है, वो एमेचर हैं, जो इनके कैप्टन स्कॉट एडवर्ड हैं वो पेशे के एतबार से एक इलेक्ट्रीशियन है और ऑस्ट्रेलिया में वो पैदा हुए थे, और बेहतर मुस्तकबिल के लिए क्रिकेट में कुछ करने के लिए ये नैदरलैंड शिफ्ट हुए। फिर वैंडर मर्व हैं जो कि जनूबी अफ्रीका से 2009 में उन्होंने डेब्यू किया था इंटरनेशनल क्रिकेट में, फिर वो जनूबी अफ्रीका को छोड़कर जो है अपने बेहतर मुस्तकबिल के लिए नैदरलैंड आए हैं, और अब ये जो खिलाड़ियों का बंच है वो नैदरलैंड की टीम को जो है वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठा रहा है। हर टूर्नामेंट में ये एक सरप्राइज़ देते हैं। 2009 में जब मैं इंग्लैंड में था ICC वर्ल्ड टी20 में, तो इन्होंने इंग्लैंड को हरा दिया था, और हमारा जो इनके साथ लॉर्ड्स में मैच था वो मेक और ब्रेक वाला मैच था कि अगर हम इनको नहीं हराते तो हम अगले मरहले में नहीं जाते। तो ये टीमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम करेंगी, बट आज के मैच में ऐसा कुछ होने वाला नहीं है,
आज जो मैच धर्मशाला में खेला जा रहा है, आपको लग रहा है कि जी न्यूजीलैंड की टीम को सरप्राइज कर देगी अफगानिस्तान की टीम? आई डोंट थिंक सो। अगर अफगानिस्तान के पास नबी हैं, अगर अफगानिस्तान के पास मुजीबुर रहमान हैं या फिर राशिद खान है, तो एक ही स्पिनर न्यूजीलैंड के पास है, उसका नाम है मिचेल सेंटनर, जो कि इस टूर्नामेंट का सबसे बड़ा स्पिनर है और इस वक्त लीडिंग विकेट टेकर में वो टॉप ऑफ द लिस्ट है। तो अब सिचुएशन ये है कि बिल्कुल कल जैसे आप हैरान हुए, जिस तरह इंग्लैंड के हवाले से आप हैरान हुए थे कि उन्होंने दिल्ली में इतवार को जो है टॉस जीत कर पहले जो है वो बैटिंग करा दी अफगानिस्तान को, फिर आपको कल लगा कि जनाब नेदरलैंड को साउथ अफ्रीका ने बैटिंग करा दी, तो आज आपको हैरान होना चाहिए कि अफगानिस्तान की स्ट्रेंथ जो है उनकी सही। ठीक है, सॉरी वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम याया, बट यू नो आई से नेवर, ठीक है, सो एनीथिंग कैन हैपन, वी विल वेट फॉर दैट एंड वी होप इट्स यू नो गुड आउटकम। बट थैंक यू सो मच एनालिस्ट, आपने हमें ज्वाइन किया है, जी न्यूज़ पे सब अपडेट्स होती रहती है, सो डोंट फॉरगेट टू वॉच दैट। अभी के लिए इतना ही, विल सी यू टुमॉरो।